शेख साहब आपकी नज़दीक क्या है कि एक बच्चे को सख्ती सख्ती करनी चाहिए या सिर्फ नरमी से ही वो पढ़ लेगा आपके नज़दीक क्या है इसका सलमान भाई मैं जामिया अभी बकर में ना एक जो फाइनल ईयर की जो बुखारी की क्लास होती है उसमें एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तरक तो तदरीस मेथड ऑफ टीचिंग और मैंने मेथड ऑफ टीचिंग और या एजुकेशन जो है इस पर मैंने मुख्तल जिस तरह इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है

तो दो खूबियां होनी चाहिए उस्ताद में एक उसका साहिब अखलाक होना और एक उसकी अपने सब्जेक्ट पर कमांड आप दोनों को कंपैरिजन कर लें तो अखलाक बहुत हावी चीज है क्योंकि मैं तो कहता हूँ अखलाक इज अ मोटिवेशनल फोर्स है हमारे पास तो तरबियत में तदरीस में किसी भी मजाल में मैं कहता हूं कि नरमी का अपना एक मकाम है गुस्सा और डांट डपट का अपना एक मकाम है बिल्कुल कुलियता हम गुस्से को ख़त्म नहीं कर सकते अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के गुस्से की कैफियत हमें मिलती हैं कोई नाजेबा किस्म के सवाल पूछे जाए आपका चेहरा मुबारक लालसुरु हो गया था ये भी गुस्सा ही था ठीक है लेकिन गुस्से को एक लिमिट्स में रखा हुआ था लेकिन मेजॉरिटी जो उन जिस रवैये का उन पर हिस्सा था वो ये था कि नरमी आप नरमी के हवाले से कुरान मजीद की वो आयत मुझे हमेशा याद रहती है अल्लाह ने मूसा और हारून आलम को कहा था इज़ हबा अला फिर तुम दोनों मूसा के पास जाओ इन्ना तगा कन्फर्म वो बागी है गद्दार है दुश्मन है लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने हुक्म किस बात का दिया था फकूल कउल ला अरे बात उसके साथ नरमी से करनी है तो मैं ये समझता हूँ कि आज जिस चीज़ का फुकदान है हमारे पास तरबियती एतबार से दाई के पास मुदरस के पास वो इस नरमी का है नरमी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आप दिलों को जीत सकते हैं और क़ुरान मजीद में, में तो सराहत बता दिया गया कि अगर आपका कोई दुश्मन है आप उससे नरमी से और अच्छे तरीके से बात करें तो आप उसका वली हमीम आप उसके जिगरी दोस्त बन सकते हैं तो दिलों को जीतने का नुस्खा तो मेरे नज़दीक यही नरमी और अखलाक और प्यार मोहब्बत है